चालीसा श्री साईं बाबा जी का। पहले साईं के चरणों में अपना शीश झुकाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये ना किसी ने भी जाना, कहां जन्म साई ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद हैं साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन हैं साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कह अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं हैं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत ही सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांग उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु कहकर साईं देते थे उनको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखहाल, अंत करण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मदरासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में है मेरा, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी से आशा नहीं मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में साईं के धर के शीश, तब प्रसन्न होके बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मदरासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी को जग में होता है उद्धार, सांच को आंच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूंगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन ना था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिलकर दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने
जब देखी साईं की सूरती, जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया, मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से, बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल लेकर मैं हंसता जाऊं जीवन में, साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा हुआ असर, लगता जगती के कणकण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था, मैं साईं साईं मेरा वह दुनिया से कहता था, सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झनकारों में, स्तब्ध निशा थी थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे, वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी के, विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था एकाकी, घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुछ कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई, लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए चंपत, आघातों से मर्माहत हो उसने दी संज्ञा खो, बहुत देर था पड़ा रहा वो वहीं उसी उस हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा, अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को थी पड़ी सुनाई, शुब्द हो उठा मानस उसका बाबा गए विकल हो, लगता जैसी घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो, उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आईं उनको लगने पटकने, और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए सशंकित सभी वहां लखतांडव नृत्य निराला, समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा है संकट में, क्षुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में, उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उनकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंतःस्थल है, इतने में ही विविध से अपनी विचित्रता दिखलाई, लख कर जिनको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई, लेकर संज्ञाहीन भगत को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आईं, शांत धीरज गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल, आज दया की मुंह स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी, जिस भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी, जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में, युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी, आपात ग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी, भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई, भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला, घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना, चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भरती, सबको स्नेह दिया साईं ने सबको संतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया,
ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसे दुख ना क्यों हो, पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसे दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं, मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुधि बुधि खोकर, सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो, साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, संकट काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात, तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुना कर जिनको, जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भूली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुखों से मुक्ति। अगर मुक्त तुम होना चाहो, तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां हैं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण उसके हैं अति भारी। जो है संतति हीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे वह, मुह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे, जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया दो दिनों का है मेला, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारिस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नातानी। खबर सुनाने बाबा को यह, गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर भ्रुकुटी तानी और, विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढूंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर, भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है अब खैर। सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साई बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विलहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्य सभी कुछ इस जगती के हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसा ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर, समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर।
नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने, दाप ताप संतान मिटाया, जो कुछ आया साई ने। सदा यदा में मस्त राम की, बैठे रहते थे साई, पहर आठ ही राम नाम को, जपते रहते थे साई। रूखी सूखी ताजी बासी, चाहे या हो वे पकवान, सौदा प्यार के भूखे साई का, खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी, जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके, बिहड़ विराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसे सुमधुर बेला में भी दुख आपात विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन, धन्य कमल कर उनके जिनमें चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मान लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साई मुझ पर। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।